वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मेरे पास एचपी का एक प्रिंटर आया है जो कि इंकजेट है और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो इसकी कार्ट्रेज है वो खत्म हो गई है, तो हमने उसको कैसे रिफिल करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। हालांकि ये पुराना मॉडल हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ प्रिंटर ऐसे हैं जो हमारे पास अभी भी रिपेयर होने के लिए आएंगे। मैं आपको एक प्रिंट निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लगा रखा है, तो आप देखेंगे पेपर है, देखते हैं कैसा प्रिंट आता है हमारा। ये देखिए ये चालू हो गया ब्लैक से, तो देखिए स्कैन हो रहा है। ये इंक जेट प्रिंटर कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर इंक लगती है, और जो हमारे लेजर वाले होते हैं लेजर प्रिंटर उनके अंदर पाउडर लगता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये रिफिल हो गया। देखिए अभी जो मेरा प्रिंट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, मतलब पूरा नहीं आया है। आप इनको देखेंगे तो आप देखेंगे इसको ड्रॉ का जब खोलते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से एक ब्लैक कार्ट्रेज और एक कलर कार्ट्रेज मिलती है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक कार्ट्रेज लगी हुई है ब्लैक की और यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो आप देखेंगे जो इसमें ब्लैक कार्ट्रेज है मेरी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, और कार्ट्रेज के अपने अलग अलग नंबर होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरे पास कार्ट्रेज है इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिफिल करनी है, और केवल हम सिंगल कार्ट्रेज से भी इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर वाला है वो यूज नहीं हो रहा है, और ना ही इसमें आप देखेंगे कलर वाली कार्ट्रेज लगी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पास आकर आप दिखाएं से, तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल एक सिंगल ब्लैक कार्ट्रेज है और कलर वाली नहीं है, और मैं भी आपको दिखाऊंगा इसको हमने कैसे रिफिल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पास आके देख लें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने क्या है इसके कार्ट्रेज के ऊपर एक स्टिकर होता है उसको हटा लेना है, और आपके पास इस तरीके से आपके पास एक ब्लैक इंक होनी चाहिए और जो कि हमारे एप्सन के प्रिंटर में यूज होती है या एचपी के होती है उनको आप यूज कर सकते हैं, कलर है केवल। तो आपने क्या करना है सिरिंज में 5 ml इसको भर लेना है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं इसको रिफिल करूंगा और इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, और साथ के साथ जो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं उनकी कार्ट्रेज को कैसे रिफिल करना है मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो 12A हो, 88 हो, सैमसंग की हो, ब्रदर की हो, सारी मैं दिखाऊंगा आप, तो आप बने रहें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम इसको भर लेते हैं, करीब 5 ml लेंगे। तो देखिए मैं इसको अब सिरिंज की मदद से भर लेता हूँ, बहुत इजी है। तो आपने क्या है थोड़ा थोड़ा सब में डाल देना है, देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर ली है, और थोड़ा सा और डालूंगा इसके अंदर में। देखेंगे अब दूसरे चैम्बर में डाल देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक्चुअली में एक स्पंज होता है वो सब सोख लेता है इंक को। ये देखिए ऊपर आ गई है टॉप में, तो अभी मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ यहाँ से, तो उसके बाद मैं आपको इसका प्रिंट भी निकाल के दिखाऊंगा एक। यहाँ पे आपने इसको क्लीन कर लेना है क्योंकि हमारे अंदर कैरिज से जुड़ता है, और यहाँ से भी आपने एक बार क्लीन कर लेना है। देखिए यानी कि अब ये रिफ़िल हो गया आराम से, आप 150 से इसमें आप 250 रुपये कस्टमर से चार्ज ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा ये रेडी हो जाएगा। मैं आपको एक प्रिंट निकाल कर दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लगा रखा है, तो आप देखेंगे पेपर है, देखते हैं कैसा प्रिंट आता है हमारा। मैं यहाँ पे पास से, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट आउट निकल गया है मेरा, और देखेंगे डार्क प्रिंट आई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। देखिए प्रिंट मेरा बिल्कुल क्लियर आया है, मैं इसका वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल प्रिंट आया, सही आया है मेरा। तो एक और प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो कितना इजी है आपको इसको रिफिल करना। केवल 5 ml आप अगर इसमें कार्ट्रेज में डालते हैं तो आराम से 200 से 250 रुपये आपको मिलेंगे। और ये देखिए मैं एक और प्रिंट निकालता हूँ,
तो आपके सामने में 12A, 88A ब्रदर हो गया और भी सैमसंग के हो गए, जितने भी काटे हैं लेजर वाले उनको भी रिफर करके दिखाऊंगा। तो आप इन वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए, तो आप अपने लिए अच्छी स्किल कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप अपने लिए। तो देखेंगे यहाँ पे मेरा ये भी प्रिंट निकल गया है, और ये जो आपका ब्लैक प्रिंट है आपका, ये आपको जो लोकल वाला है वो 100-150 रुपए में बॉटल मिल जाएगी और आराम से आप रिफिल कर सकते हैं। कभी कभी ये प्रिंटर, हालांकि ये तो आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रिंटर आते हैं मार्केट में रिफिल होने के लिए या फिर कार्टेज रिफिल होने के लिए। तो आज आपने देखा कार्टेज को कैसे रिफिल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।